हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी लर्निंग टिप्स। जैसे जैसे वेदर चेंज होता रहता है, वैसे ही वेदर से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। जो वेदर चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन सा डिजीज़ आजकल स्प्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे, ओल्ड एज, इवन यंगस्टर्स, सब के सब उस डिजीज से इफेक्टेड होते हैं, वो होता है डेंगू। डेंगू का यूजुअली जो हमने रीज़न सुना है वो होता है कि हमें मच्छर ने काट लिया, इसलिए हमें डेंगू हो गया। सो, क्या ये रियलिटी है कि डेंगू सिर्फ एक मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है? येस, इट इज़ बिकॉज ऑफ मॉस्किटो बाइट, बट मॉस्किटो सिर्फ एक जरिया होता है कि एक पर्सन जो उस वायरस से अफेक्टेड होता है, उस वायरस को मॉस्किटो आपकी बॉडी तक लेकर आता है। क्योंकि मॉस्किटो ने उस पर्सन को बाइट किया था, उसके बाद उसने आपको बाइट किया, तभी वो वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्टेड हुआ। सो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी डेंगू सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, हम खुद को और हमारे बच्चों को कैसे डेंगू डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड आपको क्या क्या करना चाहिए इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू। डेंगू से हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि डेंगू से डेथ्स हो जाती हैं, डेंगू से लोग हॉस्पिटलाइज रहते हैं, उनको ब्लड चढ़ता है, उनको प्लेटलेट्स चढ़ते हैं, बट हम ऐसे सिचुएशंस आने ही क्यों दें। सो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ सिम्टम्स कि डेंगू हमें कैसे पता लगे कि हम या फिर कोई और हमारी फैमिली में डेंगू से इफेक्टेड हुआ है। जो हमारा फर्स्ट सिम्टम है वो होता है सडन राइज इन टेम्परेचर। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसमें एकदम से ही बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, फिर वो डाउनफॉल हो जाता है, फिर सडनली वो इंक्रीज हो जाता है, वो सबसे पहला सिम्टम होता है हमारा डेंगू का। उसके बाद धीरे धीरे क्या स्टार्ट होता है, हमारा हेडेक रहने लग जाता है, हमें लेजीनेस सा फील होता है, हमारी बॉडी स्किन पे रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे मसल्स पेन होते हैं, हमारी आईज की बैक साइड पे पेन स्टार्ट होता है, इट्स लाइक हमारी नर्व्स खिंच रही होती हैं, हमारा जो बैक पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। सो, ये सारे कुछ सिम्टम्स थे जिससे हम गेस कर सकते हैं कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू। जब आपको जैसे ही ये सिम्टम्स लगे, आपको एक दिन नॉर्मल सा फीवर हुआ एंड आपने मेडिसिन ली उस चीज़ की, दैट इज़ ओके। बट अगर वो फीवर कंटिन्यू हो रहा है 1, 2, 3, अगर वो कंटिन्यू 3 दिन तक हो गया है, सो आपको वेट नहीं करना चाहिए, यू शुड डायरेक्टली कंसल्ट टू अ डॉक्टर। क्योंकि अगर डेंगू हमें स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है तो हम उसका ईजिली क्योर कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा डेंगू को क्योर करने में टाइम लगेगा। डेंगू होता है वो मैक्सिमम 10 डेज तक के लिए रह सकता है हमें, बट जितनी जल्दी, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो क्योर हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप जल्दी से रिलैक्स्ड फील करेंगे। जो डेंगू का ट्रीटमेंट होता है उसमें आपको कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, बट उसके अलावा आप घर पे जो प्रिकॉशंस कर सकते हैं वो हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना चाहिए, वेदर इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, सूप्स, कोकोनट वाटर, वो सब आपको हाइड्रेटेड रखेंगे, जिससे जो है आपको फीवर और जो आपको अगर वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो वो उसको कंट्रोल करेंगे। और अगर आपकी बॉडी में वाटर लेवल कम हो रहा है उस वजह से, अगर आप वाटर इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स्ड फील करेगी। नेक्स्ट इज, अगर आपको फीवर हाई हो रहा है तो आप क्या कीजिए, आप नॉर्मल वाटर के अंदर वाटर में डिप कीजिए टॉवल और उससे अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर स्पॉन्जिंग कीजिए, क्योंकि वो जो है हेल्प करेगा आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने में। टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेड रेस्ट एंड प्लीज टेक हेल्दी मील्स। और अगर आपको बेबीज को और खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है डेंगू से, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अवॉइड करने चाहिए कि आप किसी भी ऐसे प्लेस में जाएं जहाँ पे बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो। जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस होते हैं डेंगू मॉस्किटोज के। जितने ज़्यादा मॉस्किटोज होंगे उतने ही चांसेस होंगे कि वो आपको बाइट कर सकेगा। आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स अपनी बॉडी पे अप्लाई करके रखिए। जब वेदर चेंज होता है तो आप यूजुअली क्या किया कीजिए, आप जो है
फुल स्लीव्स एंड पैंट्स पहन के रखिए, जिससे मॉस्किटो बाइट होने के चांसेस ही बिल्कुल कम हो जाए। घर पे आप जब वेदर चेंज होता है तो आप कोकोनट के जो छिलके होते हैं, कच्चा नारियल होता है, उसके छिलके को जलाइए और नीम लीव्स इनको जलाइए। ताकि आप ये कर सकते हैं 2 times in a week, ताकि आपके घर के अंदर मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये सब आए ही ना। आप पेस्ट कंट्रोल करवाइए घर में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अवॉइड कीजिए विंडोज ओपन करना, डोर्स ओपन करना। आप जितना ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे। सो एक लास्ट में एडवाइस यही रहेगी, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द डेंगू और कोई सिम्टम लगता है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाटर इनटेक कीजिए। उसमें आप पपाया की जो लीव्स होती हैं उसका वाटर इनटेक्स कर सकते हैं, ग्लो का पानी पी सकते हैं। ये एक नॉर्मल घर के नुस्खे हैं जो आप आजमा सकते हैं। सो ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए, ताकि आप भी सेफ रहें और आपके बेबीज भी सेफ रहें। होप सो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी आपको। सो ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।